ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है। सितंबर 12, 2024, बाप दादा मधुबन। प्रातः मुरली है, श्री बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है छोटी और क्षुद्र है पांव। जब क्षुद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। दुनिया में भी जनेऊ पहनाते हैं, जनेऊ, या तो क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइज़म करते हैं। ये क्या है? ये है नया जन्म, जो विकार से नहीं होता है। ओरिजिनल बॉडी तो वही रहता है। उसी तरह बाबा जब आते हैं, कस्टम एंड सिस्टम बाबा ही एस्टैब्लिश करता है, जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति से अपनाई जाती है। जनेऊ पहनाते हिंदुइज्म में, बैप्टाइज्म करते हैं क्रिश्चियनिटी में, अलग अलग धर्म में अलग अलग कस्टम एंड सिस्टम, बात एक ही है। इसलिए बाबा कहते हैं, देवता बनने के लिए ब्राह्मण जरूर बनना, जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन नहीं सकते। पहला प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर है, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। बाबा बार बार हमें याद दिलाता है, हम जानते हैं तो भी देहवान में आ जाते थे। बाबा बार बार कहता, विनाश सामने खड़ा है, लोगों को हम वही कहेंगे। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं, मौत किसी को अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं, ये मौत मीठा मौत है। क्यों? क्योंकि हम नीचे से ऊपर जाते हैं, उन लोगों को पता नहीं, इसलिए वो विरोध करते हैं। मगर कोई भी चीज़, ये प्रकृति का लॉ है, अति पुरानी होती है। कोई भी चीज़ अति में जाती है तो उसका अंत होना ही है, चाहे दुनिया हो चाहे कोई भी चीज़। हमारी कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है, हम गार्बेज कर देते हैं, रिसाइकल होती है, फिर से वो नई बनकर आती है। मटेरियल वही रहता है। कहने का मतलब, मनुष्य जानते नहीं इसलिए विरोध करते, पता नहीं इसलिए। बाकी सबको पता है, ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। दूसरा क्वेश्चन है, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या? इंद्रप्रस्थ, इंद्र जिसका इंद्रियों पर शासन है, ओ उनकी वो नगरी। उत्तर, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। किसकी सभा? बाबा की सभा। बाबा क्या है? इंद्रियों पर विजय पहनाता है पूरा का पूरा, और इंद्रप्रस्थ की स्थापना करते हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। दुनिया में जो सतयुग का वर्णन है, वो सतयुग की बाबा बात नहीं करते हैं। जहाँ कृष्ण के सामने कंस, राम के सामने रावण दिखा दिया, वैसी दुनिया की बाबा बात नहीं करते। ऐसी दुनिया है जिसको कहते संकल्प से चलती दुनिया, जहाँ हर मनुष्य देवता कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसी सभा है ये, इसमें दूसरे किसी को, पतित शूद्र को ला नहीं सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। बाबा के सामने बाबा आते थे ब्रह्मा के तन में, और कोई लाता है तो बाबा कहते सामने, यूर दादी के तन में। बाबा कहते बी कोशिश। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते, रूहानी आत्मिक है ना, पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस हमें बदल दी। रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम अपने लिए अपना देवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, फिर से, कोई नई बात नहीं, नथिंग न्यू, और अपने लिए कर रहे हैं, कोई दूसरों के लिए नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, तुम ही जानते हो हम हैं ब्रह्मा के बच्चे, एडॉप्टेड बच्चे, ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा के बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं, हम ही जानते हैं कि क्या होने वाला है। परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है, किसी को भी माया छोड़ती नहीं। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। एक ही सेकंड में देह देखा शूद्र, आत्मा देखा ब्राह्मण,
शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते, और शिव बाबा को याद करने के लिए प्राइमरी कंडीशन है अपने को आत्मा समझना। बच्चों को यह मालूम है क्या कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, स्वराज्य, स्व के ऊपर राज्य होगा तो ही फ्यूचर में अपना राज्य होगा, वहाँ जा सकेंगे अपने राज्य में, वरना जा ही नहीं सकते। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी, यानी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते, सिर्फ हम ही रहेंगे 9 लाख देवी देवता, बाकी बाबा आया है कालों का काल महाकाल। सबको कहाँ ले जाता है? अपने घर, और हम ही आते हैं सतयुग में घर से होकर, बाकी सब वहाँ ही ठहर जाते हैं। जैसा जैसा जिनका पार्ट वैसे वैसे उनकी एंट्री। यह है तुम्हारी भावना, भाव और भावना, बाबा कहते बदल दो भाव और भावना, उसका आधार है हमारे थॉट्स, हमारा चिंतन, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। परंतु तुम जो कहते हो ने कि यह दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध करेंगे ने, बेचारे को पता ही नहीं है, हम भी नहीं मानने के लिए तैयार थे ना, कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारिया यह फिर क्या कहती है, विनाश विनाश ही कहती रहती है। बाबा कहते मैं कभी भी डेट नहीं बना बताऊंगा, जो ब्रह्मा कुमारिया ब्रह्मा कुमार विनाश की डेट के बारे में कहते वो सब क्या है, बाबा ने सब कुछ बताया, बाबा ने अप्रोक्सीमेट टाइम ही बताया, कोई साल नहीं बताया। बाबा कहता है अंत तक मैं नहीं बताऊंगा, ये ड्रामा का राज राज ही रहेगा, अंत में बताएंगे जब पूरा हो जाएगा क्या क्या बनने वाले हैं साक्षात्कार के द्वारा। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत आम दुनिया की भलाई है ना, क्योंकि नई दुनिया आने वाली है, ये दुनिया कहाँ तक सस्टेन करेंगे, कहाँ तक पैचिस लगाते रहेंगे, इसलिए खास भारत आम दुनिया की भलाई है, गुडनेस है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म दुनिया हो रही। यह बात पूरी दुनिया वाले नहीं जानते, विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने, कौन सा संप्रदाय? ईश्वरीय, ईश्वर द्वारा स्थापित चलाने वाला वो खुद पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं, खुदा जिसको कहते, खुद वो कहता है कि माँ में कम याद करो गीता के महावाक्य, गीता में लौकिक जो गीता है डिवोशनल गीता, उसमें भी बाबा की सच्ची सच्ची गीता में वो कहता है यहाँ से वहाँ। यह तो बाप जानते हैं कि सदैव याद में कोई रह न सके, यदि सदैव याद में रह सके तो इस दुनिया में रह न सके, उड़ जाए। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अब तो सब पुरुषार्थी है, पुरुष हमें आत्मा समझकर प्रयत्न करना है, पुरुषार्थी पुरुषात्मा अर्थी बनना है, आत्मा समझना है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, सब नहीं बनेंगे, ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी, सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, बाबा एग्जांपल देता है कि बच्चे जैसे बाजोली खेलते हैं, सर ऊप सर नीचे पैर ऊपर फिर पैर नीचे सर ऊपर, जो पूरा का पूरा खेलते हैं, बाबा कहते हैं, तो बाबा एग्जांपल देते हैं, जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं पहले आता है माथा चोटी, खड़े होते तो माथा ही पहले नीचे करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है, तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब फिजिकल चोटी की बात नहीं, हमें वो कॉन्शियसनेस ऊपर की रखनी चाहिए, कहाँ? परमधाम, आत्मा और परमात्मा, जिसका मन ब्रह्म में स्थिर हो वो है ब्राह्मण। पहले शूद्र अर्थात पैर थे, कभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, देखो कैसे विराट रूप का जो चित्र है उसमें क्या दिखाया, देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को,
वैश्य पेट को और शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। शूद्र अर्थात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं है यह। कोई कास्टिज्म भारत में नहीं था, क्लैन सिस्टम थी, कुल सिस्टम था। पूरा का पूरा देवता, पूरा का पूरा क्षत्रिय, पूरे के पूरे वैश्य, पूरे के पूरे शूद्र, पूरे के पूरे ब्राह्मण। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानी करते रहते हैं। सर्वव्यापी कह दिया तुच्छ बुद्धि। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में ग्लानी होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी है बाप उन्हों से ही बात करते हैं, जो ओरिजिनल देवता है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतम। धर्म की ग्लानी, धारणा की ग्लानी, परमात्मा की ग्लानी जब अति में जाती है तब वो भारत में ही आता है। बाप आते भी है भारत में और कोई जगह आते ही नहीं। एक ही शास्त्र है जिसमें है भगवान वाचो गीता, जो भारत का धर्म शास्त्र है। एक ही शास्त्र है धर्म शास्त्र गीता, बाकी कोई दूसरे शास्त्र से, रामायण से, महाभारत से कोई धर्म स्थापन नहीं होता। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है। भारत भी अविनाशी खंड, बाप भी अविनाशी खंड, मतलब पूरी दुनिया की बात। भारत खंड, बाप भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी। वह कभी जन्म मरण में नहीं आते, हम आते हैं वो नहीं आता। बाप अविनाशी, आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। ये शरीर तो है विनाशी, अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाबा कहते लगो नहीं लगे हो तो। बाप ने समझाया था क्या कि होली पर कोकी पकाते हैं, जो नारियल होता है उनको, तो कोकी सारी जल जाती है, धागा जो बीच में डालते हैं वो नहीं जलता। उसी तरह ये शरीर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जल जाता है या तो बरी कर देते हैं, मगर अंदर जो आत्मा है वो कभी जलती नहीं, कभी दबती नहीं, कभी मरती नहीं। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। इन पर ही यह मिसाल है, यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं है कि आत्मा अविनाशी है। कहते हैं अविनाशी है, मगर पता नहीं है कैसे है। आत्मा सो परमात्मा, क्या क्या बातें लिख दी है। पानी का बुदबुदा पानी में समा जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा दिया। लीन होना, समा जाना मतलब विनाशी। इसलिए मालूम नहीं है कि आत्मा अविनाशी। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर के द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है, तो यह हिसाब किताब ले आई ना। कर्म भोग भोगा यहाँ, एक बच्चा पैदा होता है, एक का जन्म राजा के वहाँ, एक का जन्म भिखारी के वहाँ, कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हिसाब किताब ले आई, तब तो डिफ्रेंसिएशन है। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बिगर हम रह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि शूद्र संप्रदाय है न, क्षुद्र बुद्धि है, हम भी वैसे ही थे। बाबा धीरे धीरे हमें पावन बनाता है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है, देवता वो से भी ऊंच है। इसलिए ब्राह्मण जन्म क्या है, डायमंड एजेड जन्म है, गोल्डन एजेड जन्म देवता है। उनसे भी ऊंचा जन्म कौन सा है, ब्राह्मण जन्म जो ईश्वरीय संप्रदाय है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ने, बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ने। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चों को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं। क्या करते हैं? दुनिया में भी देखो संन्यास लेते हैं, किनारा कर लेते हैं, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, निर्वाण हो जाना या तो घर बार छोड़कर चला जाना,
तो उसको कहते हैं संन्यास जैसा ही। घर बार छोड़ देते, सब कुछ बच्चों को दे देते हैं संभाल करने के लिए, वानप्रस्थ अवस्था जिसको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थ ही बन जाते हैं। मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा न सके। मुक्ति का दरवाज़ा खोले तब तो मुक्ति धाम में जाए, नहीं पता ही नहीं है मुक्ति धाम कहाँ है, फिर कैसे जाएंगे। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते तो बाप को उठानी पड़े ना, तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ने। बाप कहते कैसे सर्वेंट है कि हर सेवा करते बच्चों की, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते क्या मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े होने, यहाँ टट्टी करने की बरकत है बात ही नहीं, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं, तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बी के कहलाते, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। उनसे पहले क्षुद्र कुमार क्षुद्र कुमारी थे, वैश्यालय में थे, विषालय विकार का आलय रहने का स्थान। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो, यहाँ कोई विकारी रह न सके, हुक्म नहीं है, तुम हो बिके, यह स्थान है ही बिके के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को, उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं है, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ने, इंद्र सभा तो यह है जो शास्त्र में दिखाती है, उनकी बात नहीं है। यहाँ ज्ञान वर्षा होती, इंद्र को किसको कहते, क्या कहते हैं, वर्षा का देवता। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ, यानी कहानी आती है शास्त्रों के अंदर। सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ने, यह कोई क्षुद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। पवित्र होते हैं देवताए, पतित होते हैं क्षुद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं, बाप के सिवा कोई बना ही नहीं सकता है, किसी की ताकत ही नहीं। अभी तुम पति से पावन बन रहे हो तो यह हो गए इंद्र सभा। अगर बीकर पीछे पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे होने तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है, बाबा देता नहीं, बाबा ऑटोमेटिक सिस्टम है इसे। तुम विकारियों को छिपा कर क्यों ले आए, इंद्र बाप से पूछा भी नहीं, तो कितनी सजा मिलती है, यह है गुप्त बातें, वेरी वेरी इनकॉग्निटो मैटर्स। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे, बाबा कहते कड़े कायदे होंगे तो ही बड़ी पोस्ट पोजीशन मिलेगी, वरना कैसे मिलेगी, अवस्था ही गिर पड़ती है ना। बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं तो क्या होता है, कड़ी एग्जामिनेशन होती है ना, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। यह भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। क्यों पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो, यहाँ बीके रहते हैं उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं, बने नहीं है, बाप बाप बना रहा। बाप मीठे मीठे बच्चे को समझाते हैं कोई भी कायदा न तोड़े, नहीं तो उन्हें पांच भूत पकड़ लेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह पांच बड़े बड़े भूत है आधा कल्प के, और पांच छोटे भी है उनके पांच भाई जो दस शीश वाला रावण। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए, कोई फिजिकल भूत की बात नहीं है, दुनिया में जो बात करते उन, यह है सूक्ष्म आत्मा। जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र अशुद्ध दुखी रोगी बन गई, अपवित्र बनने से ही अशुद्ध बनती है, उससे ही दुख होता है और उससे ही रोग होते हैं।
और साइंस ने आज प्रूव करके दिखाया है 90% डिसीजेज आर साइकोसोमेटिक स्टार्टिंग फ्रॉम साइकी। यानी साइकी क्यों है, क्योंकि ये सब विकार हैं अंदर भरे पड़े। इस दुनिया में अथाह दुख है, बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। पापा घर घर तो नहीं जाएंगे, हमें देंगे, हमें दूसरों को देना है। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ऑबीडियंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, कोई को इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट वाले, जैसे माता पिता सर्वेंट वैसे टीचर भी सर्वेंट, वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं, परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह भी पतित है। इसलिए गीता में ने परित्राणायाम साधुना, साधुओं का उद्धार करने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भी पतित है, देह भाग में है, पता ही नहीं परमात्मा क्या है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वह भी पतित है। एक ही सदगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित है, क्योंकि दुनिया ही पूरी पतित है। यह दुनिया ही सारी पतित है, पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे, त्रेता में दो कला कम हो जाती, इसलिए कहते हैं सेमी स्वर्ग, या तो सेमी पैराडाइज या तो सेमी हेवन, पूरा नहीं हो। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो, खाली समझना नहीं है, धारणा भी करनी। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, जानते नहीं तो समझेंगे कैसे, समझेंगे नहीं तो धारण कैसे करें। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी, जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सत्युग त्रेता में देवता बनेंगे। सब नहीं, जो थे वही वही फिर द्वापर में अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूँ तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती है, जो यहाँ उतरती है नई, वह भी अपने को हिंदू कहलाती है, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेगी और ना ही स्वर्ग में आएगी। भगवान ने क्लैरिफाई कर दिया, जो पीछे आने वाली हिंदू धर्म की आत्माएं सब देवता बन नहीं सकती, और अभी जो दूसरे धर्म में है, जो ट्रांसफ़र हो गए देवता धर्म में से, हिंदू धर्म में से अलग धर्म में, वो जो होंगे ओरिजिनल देवता घराने की, वो वापस आ जाएंगे। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेगी और अपने को हिंदू कहलाएगी। देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक पार्ट है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो उच्च पद भी नहीं पा सकते। यह है सत्य नारायण की कथा, सत्य रीति से नारायण कैसे बना जाए, इनकी कथा। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, उसमें कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़ी है, बात ही नहीं आती है लक्ष्मी नारायण बनने की। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो, कलयुग में है ही सब झूठ। कैसा झूठ है? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, रावण का राज्य है ही झूठ। अब कहते हैं सच की रति भी नहीं, सच खंड बाप बनाते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी कैसे? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। क्यों? क्योंकि पढ़ाई है, पढ़ाई में नंबर होते हैं। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, पूरे कल्प में एक ही बार, बाकी बीच में नहीं, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में तो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं, तो संस्कार यह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। तो जहाँ जन्म लिया, जब पाठ खुला तो पढ़ेंगे। नाम रूप तो बदल जाता है ने, आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती। एक आत्मा का पाठ दूसरा आत्मा से नहीं मिलता, और एक आत्मा का पाठ एक जन्म का पाठ दूसरे जन्म से नहीं मिलता।
सबसे बड़ी ड्रामा की वंडर है। इसलिए बाबा कहते हैं सब बदल जाता है, नाम भी बदल जाता, जन्म बदलते, रूप भी बदल जाता, एक मेल एक फीमेल, वेश देश भी बदल जाता, रहने का स्थान और समय भी बदल जाता। इतनी छोटी आत्मा उनको कितना बड़ा शरीर मिलता, आत्मा तो सब में होती है ने, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है, देखो सब में है, ऐसा नहीं मच्छर में नहीं है, मगर कॉन्शियसनेस काफ़ी अलग है। ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं, जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं, बाकी तो जाकर पाए पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे, पहले हम भी कैसे थे दुनिया वाले जैसे ही, धीरे धीरे सुधार हो रहा। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खरा, यह आदि मध्य अंत दुख देता है, दुख का मूल कारण ही है काम, और काम का मूल कारण है देह अभिमान। काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे, इसमें ही बहुतों को मुश्किल आते फील होती है, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे, समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ने, नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब दोनों पति थे। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है, यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, उनका सन्यास मार्ग ही पूरा अलग, सन्यास धर्म ही पूरा अलग, वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। वहाँ भगवान, यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं क्या अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है, और सब तो नहीं बनेंगे ने, लक्ष्मी नारायण की भी पूरी डिनास्टी होती है, उन्होंने राज कैसे लिया यह कोई नहीं जानते, दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। सतयुग में इनका राज्य था यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है तो ये अज्ञानता हुई ने। फॉर्चुनेटली लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई डेविल नहीं दिखते, असुर नहीं दिखाते, कृष्ण के राज में दिखाते, राम के राज में दिखाते, फॉर्चुनेटली उनके नहीं, मगर लाखों वर्ष चार गुना सत्युग कलयुग से बड़ा, कलयुग का 4,32,000 साल उनसे चार गुना, लाखों और बाप कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा, यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो, कौन बनाते बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था ही नहीं, ना इस्लाम वाले थे, ना बोधी थे, ना क्रिश्चियन थे, कोई नहीं था, सिर्फ डेटी रिलीजन था, या तो वो कहते एंजलिक रिलीजन, यह भी तुम समझते हो, जो नहीं समझते उनको ही पतित कहा जाता। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते, बाबा कहते उनसे बाबा को कोई नुकसान नहीं, नुकसान हमें है, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, पत्थर बुद्धि है तो प्रूफ मिल जाता है, थर्ड ग्रेड दास दासिया जाकर बनेंगे, उसमें भी 1, 2, 3 बाप कहते दास दासिया में भी। अभी भी राजाओं के पास दास दासिया है, जो राजाए हैं वहाँ, जहाँ राजा शाही चल रहे थे वहाँ, यह भी गायन है क्या, किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए, किन की चोर लुट जाए, किन की आग जलाए, सफला होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। बाबा कहते हैं चॉइस आपकी है, आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो साना है जरूर, ऐसी ऐसी चीजें कर तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहे, बैठे बैठे उड़ा देंगे कोने में।
वहाँ से बैठे बैठे ऐसे बम छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्य का विनाश होना है, कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े होते हैं ना, 900 करोड़, 9 बिलियन to 900,000 ओनली, 900 करोड़ से 9 लाख। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग और दुख धाम में है यह नर्क। यह चक्र फिरता रहता है, पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है और फिर बाप सुख धाम में ले जाता है। बनाने वाला वो है परमपिता परमात्मा। अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए ने? हम कहते खुश रहो सदा, खुशी जैसा खुराक नहीं। मनुष्य डरते हैं या नहीं समझते मौत से ही गति सदगति होनी है, कि मनुष्य डरते हैं कैसे विनाश से मौत से, मगर बाबा कहते हैं उनके बिना गति सदगति हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली बोल, फूलों के बगीचे में चलने के लिए, फूलों का बगीचा देवताई घराना, उसमें चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए, श्राप कोई देता नहीं है। हम जो कर्म करते हैं उसी के आधार पर दोनों चीज मिलती है, किसी की ब्लेसिंग मिलती है, किसी का श्राप मिलता है। चॉइस हमारी है कैसा कर्म कर, इसके लिए बाबा फुल श्रीमत देते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी है और सुनानी है, रोज एक दिन भी मिस नहीं, इस झूठ खंड से किनारा कर देना है। आज का वरदान है लाइट के आधार पर, कौन सी लाइट? ज्ञान की लाइट। स्थूल लाइट तो बहुत है दुनिया में, अगर तो भी कलयुग आ गए, वो लाइट के आधार पर बाबा कहते हैं ज्ञान की लाइट, आत्मा की लाइट, नो बर्डन लाइट। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले सुजाग होंगे, अवेयरनेस रहेगी तो ज्ञान और योग की शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे, जिसको बाबा कहते हैं योग के प्रयोग करो, प्रयोगशाली आत्मा मनो, अपना जीवन प्रयोगशाला बना दो। बाबा कहते हर रोज थोड़ा थोड़ा, तो बाबा समझाते हैं जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा परमात्मा का ज्ञान, आत्मा की लाइट मतलब लाइफ बनाना और प्रैक्टिकल स्थिति बनाना, लाइट मतलब हल्की, उसके द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, वन लाइट आत्मिक स्वरूप, दूसरी लाइट हल्का, नो बर्डन, डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, स्वयं के प्रति, तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। हमारी स्पार्क विंग जो है इसके आधार पर ही बनी हुई, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है रिसर्च विंग, तो बाबा कहते प्रयोग करो। स्लोगन है विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। वेदना का अंश तो न रहे मगर वंश तो न रहे मगर अंश भी न रहे, उसको ही कहते विघ्न विनाशक, जो गणपति का चल रहा है। बाबा कहते विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति।